मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि नए कलाकार आएं और न्यू हीरोज, वी नीड न्यू हीरोज. आई मीन आफ्टर शाहरुख, सलमान एंड आमिर, वी सडनली नीड सम न्यू टीन क्रेज, वी नीड सम यंग ब्लड. आई मीन द मूड इज़ टोटली फॉर समथिंग न्यू. तो ये सब बातों को ध्यान रखते हुए आई थिंक इज गॉट अ वेरी गुड चांस टू मेक इट नाउ. इट्स परफेक्ट टाइम. दिनेश रहेजा एक छायाकार होने के साथ समीक्षक भी हैं. अभिषेक बच्चन से जो उम्मीद हैं वो नई नहीं हैं, ये कई समीक्षकों का मानना है. हर स्टार पुत्र की उसके पिता की इमेज से तुलना की जाती है. अभिषेक के सामने मुश्किलें हैं, एक सुपरस्टार पिता की उपलब्धियां. दूसरी तरफ रिफ्यूजी उनकी अकेले की फिल्म नहीं है. इट्स अ काइंड ऑफ अ डेब्यू व्हिच आई डोंट थिंक मेनी एक्टर्स हैव गॉन फॉर दिस काइंड ऑफ डेब्यू. इफ यू लुक एट कुमार गौरव्स लव स्टोरी, इफ यू लुक एट सनी देओल्स बेताब और एनी अदर एक्टर स्टार सन, दे हैड वेरी कन्वेंशनल डेब्यूज एंड बेसिकली द फोकस इज ऑन देम. हालांकि ज़्यादातर न्यूकमर्स को एक मौका दिया जाता है या ज़्यादा में ज़्यादा दो मौके दिए जाएंगे, लेकिन क्योंकि ये अमिताभ के बेटे हैं और लोगों को उनसे इतनी उम्मीद है, उनको ऑलरेडी इतनी फिल्में हैं कि आई डोंट थिंक ही कैन मिस फायर. हालांकि ये सही है कि अभिषेक बच्चन के पास रिफ्यूजी के बाद भी कुछ बड़ी फिल्में करने को हैं जिनका भार अकेले अभिषेक के कंधों पर है. फिर भी इतनी उम्मीद और इतना दबाव उचित नहीं. ज्यादातर ये देखा गया है कि पहली फिल्म के सुपर हिट होने के बाद भी स्टार पुत्र देर तक अंधेरे में रहे हैं, कुछ तो गायब भी हो गए.